हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और कल जो रिज़ल्ट आया है तो जिनका सिलेक्शन हो गया है, सबसे पहले तो मैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगा। और जिनका नहीं भी हुआ है उनके बारे में भी हम बात करेंगे। आपको बिल्कुल जो है अभी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है इस बार जो एक शॉकिंग कट ऑफ गया है, बहुत हाई कट ऑफ गया, 143 मार्क्स, बहुत मायने रखता है इतना हाई कट ऑफ जाना। तो इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इससे लेकर चिंतित थे और उनके जो है मैसेजेस भी मुझे आ रहे थे, तो मुझे लगा कि इस रिगार्डिंग जो है वीडियो बनानी चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट जो जानना चाहते हैं कि क्या रहा एनालिसिस इस जो इस बार का रिजल्ट का, तो वो सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो स्टूडेंट, क्या कुछ है खास इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, मैं आपको बताऊँगा। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं कंपटीशन चुटकी में। अब सब कुछ चुटकी में। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप स्क्रीन पे जो अभी देख रहे हो वो सबसे पहले देख सकते हो कि आपको दिखेगा ऑफिशियल एसएससी सीएचएसएल कट ऑफ मार्क्स 2017। तो ये आप कहोगे कि भाई 2018 चल रहा है, हमें उससे मतलब है, लेकिन 2017 का क्यों लाया गया है अभी स्क्रीन पे, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा। एक्चुअली यहाँ आपने देखा होगा जो कल कट ऑफ, पहले हम कल के कट ऑफ, जो कल का जो कट ऑफ आया है उस पर हम नज़र डालते हैं एक बार फिर से, और उसके बाद हम उस पर अच्छे से बात करेंगे। उस पर जो है डिटेल रूप में आपको बताएंगे कि क्या कारण है कि इस बार जो है वो कट ऑफ इतना इंक्रीज़ किया है, कौन से फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जिनके कारण इतना बदलाव आया है, मतलब इतना कट ऑफ में जो है वो चेंज आया है। तो आप यहाँ देखिएगा कि एससी के लिए 122, पहले जनरल की हम बात कर लेते हैं। जनरल के लिए आप देखोगे कि 143.5, तो आप यहाँ देखोगे स्टूडेंट कि 143.5 जो कभी 127 125 के आसपास रहता था, वो इस बार 143.5। तो हमने भी जो है देखा था इस बार क्वेश्चन का लेवल, तो वो आसान से मॉडरेट था, लेकिन फिर भी हमने जो है कट ऑफ जो है जाने का अनुमान जो लगाया था, और बहुत सारे अलग आपने साइट्स पे भी देखे होंगे, तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना हाई कट ऑफ जा सकता है। तो यहाँ पे ये एक टाइप से आपके लिए सरप्राइज़ रहा, और मैं कह रहा था कि कुछ भी सरप्राइज़ आपके रिज़ल्ट के तौर पर, आपके रिज़ल्ट के रूप में आपके सामने आ सकता है। तो ये एक आप उस नज़रिए से ले सकते हैं। ओबीसी की बात करें तो 139, एससी एसटी की बात करें स्टूडेंट तो 122 एससी की और एसटी की 112। तो कहाँ जो है 122 मार्क्स रहते थे जनरल के कट ऑफ, आपने अगर पिछले दो साल का ट्रेंड देखा होगा तो आप देखोगे कि पिछले साल का जनरल का 127 था, तो 5 मार्क्स जो है इधर उधर है। तो 127 जो है वो जनरल का कट ऑफ था पिछले साल देखोगे, और इस साल जो है 122 पे एससी का ही हुआ है सिलेक्शन। तो आप देख सकते हो कितना यहाँ पे जो है बढ़ चुका है कट ऑफ पिछले साल के मुकाबले, क्या कारण है, अब हम इस पर बात करते हैं। आप यहाँ और भी कैटेगरी के दिए हुए हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा, इसलिए मैं इस पर बात नहीं करूँगा ज़्यादा। बात करेंगे हम कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसके कारण जो है ये कट ऑफ बढ़ा है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको पता है कि कट ऑफ जो है वो किन किन बातों पर डिपेंड करते हैं। सबसे पहला फैक्टर क्या होता है, सबसे पहला फैक्टर होती है कितनी वैकेंसीज हैं, सबसे पहला यही होता है। तो हम सब जो सारे फैक्टर्स को डिटेल रूप में आपको बताएंगे, और उससे पहले हम बताएंगे कि इस बार क्यों ऐसा, मतलब सारे फैक्टर वाइज हम आपको बताते चलेंगे कि इस बार इन फैक्टर्स में जो है क्यों है, मतलब कैसे बदलाव आए थे जिसके कारण ये कट ऑफ जो है वो इतना कट ऑफ में इतना अंतर रहा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज। तो स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो पहले थी, मतलब उसी के अप्रॉक्स इस साल भी थी, लेकिन आपने अभी कुछ दिन पहले हमें भी खबर मिली एसएससी की वेबसाइट पे से, और आपको हमने ये इन्फॉर्मेशन दिया था, आपको हो सकता है और भी कहीं से इन्फॉर्मेशन मिले हो कि एक जो है एक वैकेंसी जो है वो लगभग 2000 के आसपास बढ़ चुकी हैं। तो 2000 के आसपास बढ़ चुकी वैकेंसी, उसके हिसाब से कट ऑफ जो है वो थोड़ा और कम जाना चाहिए, हमें भी यही उम्मीद थी, लेकिन ये भी नहीं हुआ। आप देख सकते हो कि ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा सरप्राइज़ के रूप में आया हमारे सामने। तो ये जो है वो कट ऑफ आपका जो वैकेंसीज बढ़ने के बाद भी आप देख सकते हो कि इतना हाई कट ऑफ है। दूसरा फैक्टर क्या होता है स्टूडेंट, दूसरा फैक्टर होता है कि जो आपने जो एग्ज़ाम दिया उस एग्ज़ाम का लेवल क्या था। तो ये जो फैक्टर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और मैं कहूँगा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आसान क्वेश्चंस आते हैं तो कंपटीशन जो है वो और टफ़ हो जाता है। कभी कभी टफ़ क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें भी जो है टफ़ क्वेश्चंस आते हैं तो कट ऑफ हो सकता है कि कम जाए, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर आसान क्वेश्चन आता है तो कट ऑफ हाई हो जाता है। तो इस बार क्या था कि क्वेश्चन की बात करें, हम लेवल की बात करें, तो इस बार था कि जो क्वेश्चन आया था वो इजी से मॉडरेट लेवल का था। इस बारे में मैंने पहले भी बात की थी, और इसलिए मैंने आपको कहा था कि कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा हाई जा सकता है। लेकिन तो इसमें क्या था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने
हमने एक सर्वे चलाई थी, आपको अगर याद होगा, जब हम रिजल्ट के कट ऑफ सबसे पहले हमने प्रिडिक्ट किया था, तो उसमें हमने एक सर्वे अपने ही यूट्यूब चैनल पे जो है पोस्ट किया था, और बहुत सारे स्टूडेंट ने वहाँ के वोट भी किया। तो उस वोट की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो वहाँ हमें जो है एक प्रत्यक्ष रूप से ये दिख रहा था कि ये जो कट ऑफ जो है वो 140 से 150 वालों की संख्या सबसे ज़्यादा थी, मतलब इस रेंज में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट मार्क्स ला रहे थे। तो मैंने इस बारे में बात आपसे की थी कि देखिए 140 से 150 के बीच में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वोट किया है, उनके मार्क्स आ रहे हैं, तो कट ऑफ जो है उसके अराउंड जा सकता है। तो उस वक्त मैंने ये वीडियो डाला था, और बहुत सारे स्टूडेंट हमसे नाराज़ हो गए थे इसी कारण से कि सर आपने बहुत हाई कट ऑफ दे दिया है, तो अब 200 कर दीजिए कट ऑफ, 200 क्यों नहीं कर दिया आपने बढ़ा के, तो ऐसे ही कुछ कमेंट्स आ रहे थे। तो मुझे लगा था कि चलो भाई, मतलब थोड़ा स्मॉल स्केल पे ये जो है सर्वे हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो हो सकता है कुछ रिजल्ट्स में बदलाव हो, लेकिन आप देख सकते हैं कि उस सर्वे का जो है रिजल्ट मतलब कितना कारगर साबित हुआ, कि यहाँ पे एक्यूरेसी उसकी कितनी साबित हुई, और हमें जो उम्मीद थी तो उसी हिसाब से वो सर्वे वाला ही कट ऑफ जो है वो सच हुआ। तो ये कट ऑफ इतना बढ़ गया, और क्वेश्चन जो है वो इजी से मॉडरेट लेवल था। मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो एग्ज़ाम दे के आते थे, तो हमें हमसे जो बात होती थी उनकी, उसमें उनका रिव्यू काफ़ी सही सा रहता था, बताते थे हमें कि क्वेश्चन जो है वो इजी से, मतलब कभी ऐसा स्टूडेंट्स हमें नहीं मिले जिन्होंने इस बारे में बात की कि टफ पूरा पेपर ही आया था। हाँ, कुछ सेक्शंस उसके कुछ पार्ट्स आ सकते हैं, लेकिन पूरा पेपर जो टफ आया हो ऐसा कभी नहीं हुआ। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो दो कारण सबसे इंपॉर्टेंट है जिस बारे में आपको पता होना चाहिए कि कट ऑफ जो है वो इसके कारण बढ़ी है। तो हमें भी आप कह सकते हैं कि काफ़ी निराशा हुई कि कट ऑफ इतना बढ़ा, बहुत सारे स्टूडेंट जिनका मार्क्स आ रहा था 130 के ऊपर, उन्हें काफ़ी उम्मीदें थी, उन्हें लग रहा था कि उनका सिलेक्शन होगा, और हमें भी काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन 143 कट ऑफ जो आया है उसके बाद वो उम्मीदें तो आप समझ ही सकते हैं। तो मैं आपसे एक यही बात कहना चाहूँगा स्टूडेंट कि देखिए, टायर वन का एग्ज़ाम था, SSC CHSL का एग्ज़ाम है, ये आपके जीवन का आखिरी एग्ज़ाम नहीं है। तो ये आप ऐसे मत इसको लेके चलिए कि भाई नहीं हुआ तो अब हम आगे क्या करेंगे, जरा डिप्रेस्ड हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना है। मैं आपको बार बार कहूँगा कि आपका एग्ज़ाम जो था महत्वपूर्ण एग्ज़ाम था, लेकिन ये आपके लाइफ का आखिरी एग्ज़ाम नहीं था। इस बात को ध्यान से आप सुनिए, समझिए, और आपको अभी आगे भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स देने हैं, आपकी जो है स्टडी लाइफ हो या फिर जो आपका नॉर्मल पर्सनल लाइफ हो, उसमें भी आप देखोगे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। और ये जो है आप एक बस स्टडी लाइफ की बात नहीं है, एक पढ़ाई से ही रिलेटेड आपकी जो ये बात है कि परेशानियाँ आती हैं, लेकिन आपको ओवरकम करके उन्हें आगे बढ़ते चले जाना है। तो आप पर्सनल लाइफ हो या फिर आपका स्टडी लाइफ हो, सब में ये जो है तरीका सबसे कारगर साबित होता है। तो आपको क्या करना है कि आपका अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। आपको क्या करना है कि अभी बाकी सारे कम्पटिशन्स आ रहे हैं, जो हर सेशन में लगभग जो SSC के कोई ना कोई वैकेंसीज आती हैं, तो आपको क्या करना है कि आप वहाँ पर तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। जी हाँ, जितनी पहले आप तैयारी शुरू कर दोगे उतना आपका एज जो रहेगा वो बाकी से आप आगे रहोगे। तो मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि तैयारी जो है वो एग्ज़ाम आता है तब शुरू कर देते हैं। भाई मैं आपको बता दूं कि अगर आप अच्छे नंबर से एकदम सिक्योर करना चाहते हो अपना सीट, तो डेफ़िनेटली आपको पहले से तैयारी करनी पड़ेगी, और कंटिन्यूस जो आप कहते हैं निरंतर मेहनत करोगे, स्मार्ट स्टडी हार्ड वर्क करोगे, तो डेफ़िनेटली आपका सिलेक्शन होना ही होना है। तो हार नहीं मानना है बिल्कुल, ये कट ऑफ हाई गया तो आप कह सकते हैं आपका थोड़ा सा बैड लक भी रहा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इतने नंबर लाए हैं इसलिए डेफ़िनेटली कट ऑफ जो इतना हाई गया है। तो उन स्टूडेंट्स में क्या ऐसी खास बात थी, वो कहाँ आपसे जो है आगे हो गए, कहाँ आप उनसे पीछे रह गए, इन बातों पे आप ध्यान दें, कहाँ आपने गलतियाँ की, उन गलतियों को सुधारें और गलतियों से सीख लेते हुए आगे बढ़ते चले जाएँ, तो आपका जो है रिज़ल्ट दिन ब दिन इम्प्रूव होगा। और हमारे साथ बने रहे तो हम आपको अपने ओर से गाइड करते रहेंगे। जिनका सिलेक्शन हो गया है उन्हें मैं बता दूं कि टायर टू के लिए हम जो है आपके लिए स्पेशल प्लान्स लेके आ रहे हैं। तो टायर टू के लिए उसमें हम आपके लिए बुक्स लेके आएंगे, जो आपकी टेस्ट होंगी उनके बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, और बाकी कैसे स्टडी प्लान स्टडी टाइम टेबल होना चाहिए उस बारे में भी हम बात करेंगे। तो आप बस हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारा चैनल आप नीचे सब्सक्राइब कर ले जाके, और वहाँ पे एक नोटिफिकेशन घंटी का निशान होगा उस पर क्लिक कर ले, ताकि हम कोई भी इन्फॉर्मेशन लाएँ सबसे पहले आपको मिले। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा कि कोई बात नहीं, आप मेहनत करते रहो। अगर आप मेहनत कर रहे हो, अगर आप निरंतर लगे हुए हो, आपका जो है डेडिकेशन है पढ़ाई के प्रति, तो आपका डेफिनेटली जो है मेहनत एक दिन आपके रंग लाएगी और आपका सिलेक्शन होना फिक्स है। तो
और जिनका सिलेक्शन हो गया है उन्हें फिर से मैं एक बार कॉन्ग्रेट्स बोलना चाहूँगा कि भाई बहुत अच्छा आप लोगों ने स्कोर किया है, 143 कट ऑफ गया फिर भी आपने स्कोर करके उसे क्लियर किया, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आगे जो है टायर टू की तैयारी करोगे तो उसमें भी अच्छे से टायर टू की तैयारी करोगे। ऐसा नहीं है कि भाई टायर वन निकल गया तो बहुत खुश हो गए हम, नहीं बिल्कुल नहीं, आपको टायर टू निकालना है। जब तक जॉब नहीं मिले तब तक ये बाकी एग्ज़ाम्स निकाल के क्या फ़ायदा, तो बस लगे रहिए। यही एक जो है आप कह सकते हैं कि बेसिक की है सक्सेस का, और फिर आपको खुद ब खुद इम्प्रूवमेंट्स दिखेंगे। तो स्टूडेंट्स मुझे इस वीडियो का पर्पस जो है, मेरा जो पर्पस था वीडियो बनाने का, वो आई थिंक कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो स्टूडेंट प्लीज़ इसे लाइक करें, नीचे हमारे मनोबल को आप बढ़ा सकते हैं अपने लाइक्स से, तो आपको जैसे खुशियाँ मिलती हैं आपके, आप पे जब अच्छे कमेंट्स करते हैं आपके घर वाले ही या फिर आपके दोस्त, तो वैसे ही हमें अच्छे कमेंट्स आते हैं, अच्छे लाइक्स आते हैं, तो हमें भी खुशियाँ मिलती हैं। तो उम्मीद है कि आपको भी वीडियो पसंद आएगा। हम पूरी कोशिश करते हैं कि अपनी ओर से जो आपके लिए अच्छी वीडियो बनाएं और सारे इन्फॉर्मेशन से भरे हुए वीडियो बनाएं। तो उम्मीद है कि आपको भी कुछ ऐसा ही लगता होगा। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे थे कंपटीशन चुटकी में। थैंक यू।